हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है छोटी या सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए कौन कौन सी इकाइयाँ हम काम में लेते हैं। ठीक है, बड़ी दूरियों के मापन के लिए हमने क्या क्या काम में लिया था? खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पारसेक, जिसमें सबसे बड़ी इकाई क्या थी? पारसेक, है ना। दूरी के मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? पारसेक। उसी तरह से आज हम छोटी दूरियों के मापन के लिए कुछ मात्रक या कुछ पूर्व लगन काम में लेते हैं। वो पूर्व लगन कौन से हैं? काफ़ी बार एग्जाम में पूर्व लगन से रिलेटेड, जैसे आवेश के सामने पूर्व लगन लगा देते हैं, नैनो, माइक्रो, पीको, इस तरह से। तो हमें यहाँ पे आज पूर्व लगन भी समझना है कि पूर्व लगन क्या होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छोटी दूरियों के मापन के लिए सबसे सबसे पहले हम छोटा जो मात्रक काम में लेते हैं वो है मिलीमीटर। अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 मिलीमीटर दूरी है, तो उसको सबसे पहले हमें किसी में कन्वर्ट करना है? एम के एस। इसका मतलब जो SI मात्रक है या जो स्टैंडर्ड मात्रक है वो है मीटर में। तो 1 मिलीमीटर को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 10^-3 मीटर। बिकॉज 1 मिलीमीटर 1 मीटर का हजारवां भाग होता है, इसलिए हो गया 10^-3 मीटर। क्लियर है? 1 मिलीमीटर 1 मीटर का हजारवां भाग होता है। सेम 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां भाग होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 10^-2 मीटर। ठीक है, पहला हो गया मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको 10^-3 से मीटर से गुणा करना है। कहीं पर भी अगर हमें मिली वर्ड मिलता है तो उसको हम जब कन्वर्ट करते हैं तो 10^-3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहीं पे भी हमें सेंटी पूर्व लग्न मिलता है तो हमेशा हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10^-2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आता है माइक्रोमीटर। माइक्रो का बड़ा सिंबल देख लेना, म्यू। इस सिंबल को हम बोलते हैं म्यू, ठीक है ना। ये हमारा क्या सिंबल है? म्यू। 1 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर में होते हैं 10^-6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10^-6 मीटर। क्लियर है? इसी प्रकार से 1 नैनोमीटर, इस स्मॉल एन का यहाँ पे क्या नाम है? नैनो, ठीक है, नैनो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10^-9, अकॉर्डिंग टू नेम आप सोच सकते हो नैनो, तो 10^-9 मीटर। और फिर नेक्स्ट आता है एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम का सिंबल देख लेना, ए, और उसके ऊपर डिग्री का साइन नंबर लगाना है ना। ए सिंबल लेके उसके ऊपर डिग्री का सिंबल लगाना है, इसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रोम। इसे हम बेटा क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रोम। और 1 एंगस्ट्रोम में होते हैं 10^-10 मीटर। 1 एंगस्ट्रोम में कितने मीटर होते हैं? 10^-10 मीटर होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है 1 पिकोमीटर। इस स्मॉल पी को हम क्या बोलेंगे? पीको, पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर में होते हैं 10^-12 मीटर। 1 पिकोमीटर में कितने मीटर? 10^-12 मीटर। और 1 फर्मी, जिसको हम फेमटोमीटर भी बोलते हैं। फर्मी का सिंबल क्या है? स्मॉल एफ। फर्मी का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एफ। ऐसे लिखा हुआ मिलेगा हमें FM, 1 FM, 1 फेमटोमीटर या 1 फर्मी। और 1 फर्मी में जो दूरी होती है वो आपकी होती है 10^-15 मीटर, जो कि नाभिक का आकार होता है, ठीक है ना। नाभिक का जो आकार है वह फर्मी कोटि का होता है। तो फर्मी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे नाम पड़ा है फर्मी, या इसको हम बोलेंगे फेमटोमीटर। नाभिक का जो आकार है वो भी इसी ऑर्डर का होता है, इसी कोटि का होता है, फर्मी या फेमटोमीटर का। तो एक बार दोबारा से इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूर्व लगन है ये, बड़ा ध्यान रखना आपके, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूर्व लगन है जो सब जगह काम में मिलेंगे। कौन कौन से पूर्व लगन? मिली, सेंटी, माइक्रो, नैनो, पीको और फर्मी। फर्मी जनरली नहीं आता, फर्मी स्पेशली दूरी के लिए। केवल ये 2 ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो केवल स्पेशली दूरी के लिए काम मिली जाती है। ये जो आपके सिंबल है एंगस्ट्रोम और फर्मी, ये स्पेशली दूरी के लिए है। बाकी जितने भी पूर्व लगन हैं, मिली, सेंटी, माइक्रो, नैनो और पीको, बेटा काफ़ी जगह मिलेंगे। जैसे आवेश के लिए, आवेश का मात्रक होता कूलाम, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 1 मिली कूलाम, 1 सेंटी कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, 1 पीको कूलाम, ठीक है ना। तो ये पूर्व लगन सबको याद हो जाना चाहिए। मिली को
नॉर्मल अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10^-3 से गुणा करेंगे। सेंटी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 10^-2 से गुणा करेंगे। माइक्रो में 10^-6, नैनो में 10^-9, ठीक है, पिको में 10^-12। इस तरह से ये सभी पुरुलग्न आपको याद हो जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छोटी दूरियों के मापन के लिए हम ये मात्रक काम में लेते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रोम, फर्मी, या जिसको हम बोलते हैं फेमटोमीटर। क्लियर है?